बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। जदयू एमएलसी राधा चरण को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें एमएलसी हैं जेडीयू के राधा चरण सेठ, जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। राधा चरण सेठ के पटना आरा सहित एक दर्जन ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही थी। राधा चरण सेठ पर बालू के अवैध कारोबार सहित अवैध तरीके से अकूत संपत्ति बनाने का मामला है। इससे पहले भी इनकम टैक्स और ईडी उनके ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। पिछले दिनों ईडी ने राधा चरण सेठ और उनके बेटे कन्हैया को नोटिस देकर पटना ऑफिस में पूछताछ भी की थी। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद जदयू एमएलसी ने अपनी तबीयत खराब होने की बात कही, जिसके बाद उनका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। जदयू एमएलसी राधा चरण सेठ को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी थी और लंबी पूछताछ के बाद राधा चरण शाह को गिरफ्तार कर लिया है ईडी ने। सहयोगी आफ्ताब छुड़े में अपडेट के साथ। आफ्ताब, जदयू एमएलसी राधा चरण शाह की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है, क्या फिलहाल और जानकारी आपके पास है? नहीं, बिल्कुल ये खबर सही है। राधा चरण शाह जो कि जदयू के वरिष्ठ नेता एमएलसी हैं और उनका बालू का कारोबार है, सुबह से ही उनके घर पर जो है कि पटना के साथ साथ जो है कि आरा में जो उनका मकान है और उसके साथ साथ और भी जो ठिकाने उनके हैं वहां छापेमारी चल रही थी। उनके बाद उनके उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा था। उसके बाद अभी खबर मिल रही है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तबीयत खराब की बात उन्होंने कही तो उसके बाद उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा रहा है। आफ्ताब, कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है सुबह से, कुछ जानकारी मीडिया को हाथ लग पाई है कि इस छापेमारी के दौरान क्या बरामद हुआ? नहीं, अभी ईडी के अधिकारी जो है कि इस मामले में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि बालू के कारोबार से जुड़ा मामला है, पहले भी इस मामले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उनके बेटे को भी समन जारी किया गया था, लेकिन आज जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब गिरफ्तारी के बाद जो है कि अब ईडी का आगे फैसला क्या होगा, क्या कुछ उनके पास से मिला है, क्या सबूत मिले हैं, ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ईडी के अधिकारी जब प्रेस को ब्रीफ करेंगे, जब बताएंगे, उसके बाद मामला क्लियर हो पाएगा कि आखिर राधा चरण सेठ को किस मामले में जो है कि ईडी ने गिरफ्तार किया और पूरा मामला क्या है। जी आफ्ताब, इस गिरफ्तारी से बिहार की सियासत पर क्या असर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरह बिहार की सियासत को लेकर लगातार कयासों का दौर जारी है, ऐसे में ईडी की दबिश और जदयू एमएलसी का गिरफ्तार होना। नहीं बिल्कुल, देखिए इस जो गिरफ्तारी हुई है इस मामले पर सियासत जरूर होगी। कल से ही जो है कि हम खबर चला रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने आदेश लिया सीबीआई ने कि उन पर केस खोलने का, तो उस मामले को लेकर भी जदयू और आरजेडी ने जो है कि बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ साथ जो है कि आज जब राधा चरण शाह के घर पे जो है सुबह से जब छापेमारी चल रही थी, इस मामले को लेकर भी जो है कि आज हमने जब आरजेडी और जदयू के नेताओं से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केंद्र का बदला है, जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं तो ऐसे कार्रवाई भी होंगे और कई और लोगों को टारगेट भी बनाया जा सकता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सियासत जरूर होगी और जो है कि पक्ष विपक्ष का जो हमला एक दूसरे पर रहेगा, लेकिन ये जरूर है कहीं ना कहीं जो है कि विपक्षी नेता है उन्हें खास तौर पे जो है कि सेंट्रल एजेंसियों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ये सीधे तौर पे जो है कि महागठबंधन और इंडिया के नेता है उनका साफ तौर पे इल्जाम है। जी चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से, इस गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत गर्म होगी और एक दूसरे पर वार का भी सिलसिला चलेगा, क्योंकि लगातार जब से लालू यादव का केस खुला है लैंड फॉर जॉब मामले का, उसके बाद से ही हमलावर है केंद्र पर ये इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां, और फिर से जेडीयू एमएलसी की गिरफ्तारी इस ओर इशारा करती है कि राजनीतिक पारा बिहार का और बढ़ने वाला है।